हेलो स्टूडेंट, मैं वीवी स्टडी से संतोष कुमार, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ यूनिट 3 का टॉपिक 3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन मतलब कि अनुमान लगाना। आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट का अनुमान कैसे लगाया जाता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसका अनुमान लगाना, एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अप्रोचेस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। तो चलिए अप्रोच करते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन का, अनुमान लगाते हैं कि प्रोजेक्ट का कैसे अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, एल्गोरिथम पैरामेट्रिक मॉडल, जिसमें हम मैथमेटिकल इस इक्वेशन को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें ओल्ड डाटा रहता है। ठीक, जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक आइडिया निकालते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, और उसमें देखा जाता है कि एक्सपेंस कितना हो रहा है, एक्सपेंस जितना हो रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। ये हम किस में देखते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में, एल्गोरिथम पैरामेट्रिक मॉडल में देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सपर्ट जजमेंट। ठीक है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या करते हैं, एक्सपर्ट जजमेंट। अगर हमारे पास कोई सीनियर है, हम उनसे पूछ सकते हैं सीनियर की हेल्प लेकर कि बताइए हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको कैसे करना है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो समझाता है। अगर कोई नया है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको समझाएगा कि हम प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। तो वो क्या रहता है, ऑलरेडी वर्क किया हुआ रहता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो ऑलरेडी वर्क किया रहता है, जिसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है, वो बता सकता है कि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉप डाउन मार्केट रिसर्च। हम ऊपर से लेकर नीचे तक मार्केट में रिसर्च करेंगे, किस बेस में, क्योंकि टेक्नोलॉजी की प्राइस, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हम खरीदेंगे, उसका जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका व्यू कैसा होगा, वो प्रोजेक्ट बनने के बाद वो कैसा दिखेगा, तो हमें टेक्नोलॉजी की प्राइस वहाँ पास चेक करनी पड़ेगी, कैसे, टॉप एंड डाउन से। ठीक है, नेक्स्ट है बॉटम अप एवरी कॉस्ट। इसमें नीचे से लेके ऊपर तक जो भी प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाला है वो सब हम इसमें चेक करते हैं कि रिसोर्स कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, उसमें उसकी क्या देखेंगे, टोटल कॉस्ट देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में, एस्टिमेशन बाय एनालॉजी ओल्ड डाटा। मतलब इसमें ओल्ड डाटा देखा जाता है, एस्टिमेशन हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट में पहुँचे नहीं, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी प्राइस कंपेयर फ्यूचर टेक्नोलॉजी डाटा फॉर प्रोजेक्ट, मतलब कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ओल्ड डाटा टेक्नोलॉजी, वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कितना कंपेयर है, मतलब कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना एक्सपेंस आएगा, ये सब हमें किस में देखना पड़ता है, एस्टिमेशन बाय एनालॉजी ओल्ड डाटा से देखना पड़ता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी की, जिस टेक्नोलॉजी से हम प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट, ये हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं आगे चल के क्या करना है, हमें उस प्रोजेक्ट पर काम करना है। ठीक है, जिसमें हमें देखा जाएगा कि प्रोडक्शन कितना करना है, रिसोर्स कितना यूज़ होगा, और स्टाफ का सेटअप करना है। ठीक है, मैनेजमेंट सेटअप करना है, सैलरी देनी पड़ेगी, लेबर स्टाफ सेट करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल देखना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल भी परचेस करना पड़ेगा हमें जिसका, और हमने अगर प्रोजेक्ट में लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट कितना आएगा, किस में आ जाता है, कैपिटल कॉस्ट में आ जाता है, एस्टिमेशन अनुमान लगाते हैं सिर्फ बस अभी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक, जिसमें हम देखना चाहते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़ हम क्या देखेंगे, लैंड एंड डेवलपमेंट। लैंड हम तो क्या उसको रेंट पर लेंगे या परचेस करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, हमें रेंट पर लेना, परचेस करना, ये सब क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है। अगर ये सब नहीं करेंगे, बिना प्लानिंग के करेंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और हमें प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, एक बाउंड्री लगानी पड़ेगी, सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा, गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिक्योरिटी बाउंड्रीज ये सब तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में क्या सेटअप करना पड़ेगा, बिल्डिंग में ऑफिस वर्क के लिए कमरा चाहिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रूम चाहिए। ठीक है, टॉयलेट ब्लॉक्स क्या वहाँ पास लेबर्स के लिए, जो भी वहाँ एम्प्लॉय काम करेंगे क्या उनके लिए टॉयलेट ब्लॉक्स है या नहीं है, कैंटीन है या नहीं है, क्योंकि अगर कहीं भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ कैंटीन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब एक हिस्सा होता है किस चीज़ का, प्रोजेक्ट का, वो तो दूसरे में आता है। ठीक है, स्टाफ लिविंग रूम, मतलब कि जो स्टाफ वहाँ पास काम करेगा तो उनके लिए अपना स्टाफ लिविंग रूम भी होना चाहिए। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, जो हम प्लांट और मशीनरी एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या परचेस करना पड़ेगा, क्या एक्सपोर्ट करना पड़ेगा या क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लांट एंड मशीनरी में ये हम क्या कर रहे हैं, अभी अनुमान लगा रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल,
इलेक्ट्रिकल, अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम किसी दूसरी कंपनी से हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, ठीक है, बिना सोलर पैनल के, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो क्या आएगा, बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए हमने क्या निकाला, उसके लिए पैनल बोर्ड निकाला। पैनल बोर्ड मतलब सोलर पैनल जो धूप की रोशनी से हमें बिजली कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट कम होगा या नहीं होगा, इसका हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, जो हम मशीनरी यूज़ करते हैं, जो हमने एक्सपोर्ट किया है, इम्पोर्ट किया है, जो हम मशीनरी यूज़ करते हैं, तो उसमें जो ऑयल लगेगा, ऑयल भी बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी, बहुत ज़रूरत है उसकी, ठीक है, ऑयल जो है। अब आते हैं लेबर। लेबर को भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए उसको मनी चाहिए, चाहे वो स्टाफ हो या फिर मैनेजमेंट हो, किसी को भी, अगर वो वर्क कर रहा है तो उसको भी क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो इसका अरेंजमेंट कौन करता है, वर्किंग कैपिटल करता है। तो ये टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।